हाँ तो भाई, फिर से आपका डियर देशपांडे यूट्यूब चैनल पे बेहतरीन स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा अलग टाइप वीडियो लेके आए हैं। हम डिटेल में रिव्यू देखेंगे बोट स्टोन 650 का। ये मैंने अपने होम टाउन में लगभग 3 महीने पहले खरीदा था, 3 से 4 महीने पहले खरीदा था। जैसा आप देख सकते हैं, देखिए इसका पेंट वगैरह सब उतर गया है। इसकी मैंने रिव्यू नहीं बनाया था क्योंकि मैंने वहां खरीदा था, तो वहां पे थोड़ा कैमरे वैमरे का थोड़ी दिक्कत थी। 3 महीने का मेरा एक्सपीरियंस इसको इस्तेमाल करने में ऐसा रहा। देखिए स्पीकर कुछ इस प्रकार का आता है। नीचे देखिए इसमें माउंट भी मिल जाता है, ट्राईपॉड में भी आप इसको लगा सकते हैं। मैंने तो इसे साइकिल में लगा के बहुत बजाया है। साइड ये देखिए पूरा, ये दिक्कत ये है कि जो रबड़ है इसमें बहुत ज्यादा डस्ट चिपक जाती है। यहाँ देखिए इसके सारी बटनें कुछ इस तरह से रबराइज मटेरियल में मिल जाती हैं। वॉल्यूम अप एंड डाउन ऑन करने का ऑप्शन, प्ले पॉज, और यहाँ से गाने आप बदल सकते हैं। पूरा मेटल ग्रिल है ये देख सकते हैं, पूरी मेटल है ये जो देख रहे हैं। चारों तरफ इसके मेटल ग्रिल लगी हुई है जो कि काफी ज्यादा मजबूती से देती है, और इसकी मेटल ग्रिल भी बहुत ज्यादा शाइनी और अलग टाइप की। देख सकते हैं आप कितनी मस्त शाइन कर रही है ये। और इसकी कीमत लगभग 2000 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी। क्या ये वर्थ इट है? हाँ जी, बिल्कुल वर्थ इट है। बहुत तगड़ी आवाज है इसकी। एक रूम में आपको लगेगा नहीं कि 2.1 बज रहा है, कि ये छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर बज रहा है। इसकी आवाज एकदम 2.1 की तरह है। चलिए ये तो हो गई कुछ बातें, चलिए जल्दी से कर लेते हैं व्हाट इज इनसाइड। तो चलिए जल्दी से टेयर डाउन कर लेते हैं। तो ये देखिए रबराइज मटेरियल नॉर्मल इस तरह से निकल आता है बाहर की तरफ। देखिए दोनों तरफ का निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी छोटा सा जो कैमरे तरह का लग रहा है, यहाँ पे इसकी एलईडी लगी हुई है। देखिए जब आप ऐसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे एलईडी, ये वाला जो पैनल है बाहर आ जाता है प्लास्टिक का। चार पेचे लगे हुए हैं, जल्दी से इसे भी निकाल लेते हैं। चलिए इसकी मेटल ग्रिल बाहर निकाल लेते हैं। ये मेटल ग्रिल यहाँ से बाहर आ चुकी है। तो ये देखिए हमारा स्पीकर कुछ इस तरह से, दो यहाँ पे स्पीकर रखे लगे भी मिल जाते हैं, और यहाँ पीछे देखिए बहुत ही बड़ा बेस रेडिएटर मिल जाता है। यहाँ पे देखिए इसके सारे पेचे लगे, जल्दी से खोल लेते हैं। ये कुछ इस तरह से खुल जाता है। यहाँ पे चारों तरफ रबर क्यों लगे, ताकि एयर लीक ना हो, और अगर एयर लीक होता है तो इसका जो बेस है वो फटाफट आएगा, तभी इसका बेस बहुत ही ज्यादा क्लियर आता है, क्योंकि इसमें एयर लीक कहीं से भी नहीं होती है। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा दमदार है। यहाँ पे दो स्पीकर लगे हुए दिख जाते हैं, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 3 ओम 5 वॉट। एक पॉली लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है। देखिए इसका सर्किट बोर्ड लगा हुआ है। सर्किट बोर्ड यहाँ से बाहर आ चुका है, और देखने में पता चल रहा है इसकी क्वालिटी कितनी ज्यादा दमदार है। पे मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, देख सकते हैं इसमें कैपेसिटर कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं। इस्तेमाल हुआ है ताकि इसका जो बेस है वो बहुत ही ज्यादा पंची और तगड़ा है। देखिए शील्डेड कॉइल का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसकी लाइफ जो है बहुत ही ज्यादा लंबी होगी। इसकी आईसी वगैरह मिल जाती है, यहाँ पे चार्जिंग जैक मिल जाता है, ऑक्स कनेक्शन के लिए यहाँ पे मिल जाता है। तो देखिये यहाँ पे कुछ इस तरह से एलईडी जलती हुई आपको दिख जाती है। तो चलिए इसकी बैटरी भी निकाल लेते हैं। पॉली लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है, जो कि आपकी बैटरी इसमें इस्तेमाल हुई है 1800 mAh, 3.7 वोल्ट की बैटरी इसमें इस्तेमाल हुई हुई है। 1800 mAh इसको बहुत ही प्यार से 10 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकती है 50% वॉल्यूम में। इस स्पीकर को जरूर से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।